100 मीटर दूर अगर आप एक्सीडेंट वगैरह करके जाते हो तो कोई भी नंबर आपका आराम से देख सकता है। नहीं, बाकी इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है भाई जो मैं आपको बताना चाहूंगा राज भाई, इसमें वो लाइट नहीं आता है सीट के नीचे। नहीं। अरे यार ये टॉप मॉडल है भाई, आज तक मैंने इतना तगड़ा हेडलाइट भाई किसी पे गाड़ी का नहीं देखा भाई, कसम से बता रहा हूँ। हेलो भाई, मवंगित भाई देखो आज एकदम प्रीमियम स्कूटर के सामने खड़ा हूँ भाई, रात में देखना जरा कितनी मस्त लगती है यार रियर से। अभी ब्रेक जलाओगे ना तो ये बीच वाला भी जलने लगता है। और आगे से मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, ये वाइड एंगल हटाने दो, ये देखो भाई आगे से इसका तो अभी DRL जल रहा है, कितना मस्त लग रहा है। आपको वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा लेकिन भाई वाकई में रियल लाइफ में देखोगे ना इसका जो DRL है ना एकदम सिंह जैसा लगता है भाई, मज़ेदार एकदम। ये हो गया भाई चालू, अभी मैं आपको इधर का ब्राइटनेस नहीं दिखाऊंगा, पहले इसका हेडलैम्प देखो, मतलब इसमें पूरा LED का सेटअप मिलता है भाई। अभी हाई बीम करते हो तो देखो भाई, मेरा आँख टिक ही नहीं पा रहा यार, इतना तगड़ा थ्रो है। आज अपने पास भाई TVS की जुपिटर 125 है, देखना जरा ये TVS का बैच आपको दिख रहा है, बाकी यहाँ पे आपको जुपिटर 125 का बैच शायद ही दिख रहा होगा। देखो आप दिख रहा है ना भाई जुपिटर 125 का बैच। अभी देखो भाई आज वाले वीडियो में इसका हेडलाइट का थ्रो टेस्ट करने वाले हैं। जैसे बहुत भाइयों का डिमांड था कि एक बार जुपिटर 125 का टेस्ट करो, हमने कुछ दिन पहले जुपिटर 110 का टेस्ट करा था, उसमें आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था भाई, तो मैंने सोचा आप सबका डिमांड है तो पूरा तो करना पड़ेगा ना भाई। आज देखते हैं रियल लाइफ में रात में कैसी लगती है गाड़ी, अभी दिन का पहले सीन आप देख लो। देखो भाई दिन में ऐसी दिखती है जुपिटर 125 का लाइट, बाकी DRL भी आप देख सकते हो, दिन में तो उतना मज़ेदार नहीं लगता। रियर की बात करूँ तो रियर में भी देख सकते हो, ब्रेक लिया था थोड़ा सा, ब्रेक ला नहीं कहा ब्रेक लेते हैं, आगे वाला पीछे वाला आपका ख़राब हो चुका है यार, नहीं दोनों का, मतलब क्या है ना कि आपका जो ब्रेक लेने पे लाइट वाइट जलता है ना वो नहीं जल रहा है, बाकी इस तरीके का दिखता है भाई रियर से। इंडिकेटर जलाइएगा तो थोड़ा लो आँख जैसा फील आता है, देखना जरा कितना मस्त लगता है भाई, ये दिन में भी बढ़िया लगता है। देख लिया, रात में देखो भाई इसका टेल लाइट दूर से इस तरीके का दिखता है, मतलब पता है इंडिकेटर वगैरह जला दोगे ना तो एकदम लगता है कि भाई आँख जैसा पीछे से लुक निकल के आता है। अभी मैं आपको जला के दिखला ही देता हूँ, देखना जरा कितना मस्त लग लिया भाई रियर से यार। और ये इन्होंने ऐसे टाइप का शेप बना रखा है ना तो बहुत ही तगड़ा लुक निकल के आता है। अभी तो ये नॉर्मल पे देख लो कितना दूर तक ये अंजोरा कर रहा है भाई, ये दूर बहुत ही दूर तक, एक बार मैं आपको जाके पास में दिखलाऊं तो देखना मैं गाड़ी से कितना दूर हूँ, और देखना भाई वहाँ तक थ्रो कर रहा है, मतलब लगभग 50-60 मीटर तो होगा ही भाई, देखना गाड़ी कितना दूर है, मतलब ये नॉर्मल पे इतना क्या बोलते हैं लाइट कर रहा है भाई। अभी हाई बीम मारूंगा ना, देखना भाई साहब हाई बीम में तो उतना दूर तक जाने लगा, देखना उतना दूर तक, मतलब 100 मीटर दूर, बाकी ऐसे नॉर्मल करता हूँ इतना दूर तक जा रहा है भाई। और ये अच्छा खासा ब्राइट है यार, मतलब आपको पार्टी वार्टी करना है ना रात में तो बहुत ही तगड़ा ब्राइट है, देखना जरा भाई। अभी एक बार मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, देखना इतना दूर हूँ भाई फिर भी बहुत ही तगड़ा थ्रो कर रहा है यार, एकदम पूरा विजिबल है, कुछ गिर भी जाता है ना भाई मैं ढूंढ भी सकता हूँ इसके लाइट की मदद से, मतलब मेरे को तो मस्त लाइट लगा भाई। रात में देखते हो तो मीटर कंसोल ऐसा दिखता है, बाकी दिन में मीटर कंसोल का लाइट देख सकते हो भाई इस तरीके का, मतलब पूरा विजिबल होता है भाई, मज़ेदार एकदम दिखता रहता है, दिन में भी विजिबल रहता है भाई, रात में तो प्रॉपर विजिबल रहता है। देखो ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, ये आपका TVS का एम्बलम हो गया लो, या फिर लोगों कह सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल मीटर मिलता है। इसको दूर से देखो, पास से देखो, दूर से देखते हो तो उतना विजिबल नहीं रहता भाई, लेकिन हाँ पास से देखोगे ना तो प्रॉपर विजिबल रहता है, देख सकते हो आप, आपको सब चीज़ दिख रहा है ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यही सीन है भाई, थोड़ा चुप रहा जाना मर्द है। इसके अलावा एक चीज़ और देखना है भाई, इसके सीट के नीचे अपने को, राज भाई सीट खोलो ना एक बार, राज भाई इसमें वो लाइट नहीं आता है सीट के नीचे। नहीं। अरे यार ये टॉप मॉडल है भाई, जुपिटर 125 का टॉप मॉडल है, ओ भाई साहब देखना जरा कहीं पे इन्होंने लाइट नहीं रखा, हालांकि USB है, लगवा सकते हैं, जगह है यहीं पास से। अच्छा तो वो बताया था वहाँ पास लगा सकते हैं, शोरूम वाले ही बताए थे, लगाए नहीं थे, बताए थे बस, वहाँ नहीं लगाते हैं, मैं एक आध वीडियो में देखा हूँ। हाँ भाई लूटने का तो ये नया यार TVS वालों ने रूल निकाल रखा है, बाकी यहाँ पे USB जरूर मिल जाता है भाई, आप देख सकते हो, हाँ एक नंबर है, जैसे लाइट में चार्ज होता है वैसे ही होता है, हाँ फास्ट एकदम, पहले दुकान रोड पे था तो इसका लाइट से ही ऊंची करता गजब भाई, गजब भाई गजब, बहुत ही तगड़ा भाई, आज तक मैंने इतना तगड़ा हेडलाइट भाई
किसी पे गाड़ी का नहीं देखा भाई, कसम से बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने 250 का करा था, उसका भी थ्रो ऐसा ही था भाई। आप रियल लाइफ में कभी जुपिटर 125 का हेडलाइट जला के देखना अंधेरे में भाई, आपका दिल खुश सा हो जाएगा। बाकी रियर से तो भाई एकदम रानी जैसी लगती है भाई, रानी जैसी, कहना ही नहीं है कुछ है। और भाई ये रात में एलिमेंट जो है ना, इन्होंने क्रोम का फिनिशिंग जो दे रखा है ना अंदर में, वो बहुत ही प्रीमियम लगता है भाई। और इस पे इन्होंने एलईडी टेक भी लिख रखा है, ध्यान से देखोगे तो। डिपर मारना है एक बार राज भाई, यार ये आँख पे नहीं कर रहा भाई, ये आँख पे नहीं कर रहा, ठीक है। पता है एक्टिवा और मैंने जुपिटर 110 का देख रखा है, वो आँख पे ही सीधा थ्रो मारता है हाई बीम का, लेकिन ये आँख पे नहीं कर रहा है भाई, ये सीधा आपके गाड़ी पे पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो TVS वालों ने अलग से भाई नंबर प्लेट के लिए लाइट भी दे रखा है, जो कि बढ़िया ब्राइट कर रहा है भाई, मतलब पूरा विजिबल है नंबर प्लेट। अगर आप एक्सीडेंट वगैरह करके जाते हो तो कोई भी नंबर आपका आराम से देख सकता है, देखो 6225 दिख रहा है ना आपको। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा भाई यहाँ पे, देखो बढ़िया तो लाइट है और प्रीमियम भी लगता है भाई, मतलब ऐसा लगता है कि हाईफाई स्कूटर आप चला रहे हो रात में, समझ रहे हो ना, मतलब पूरा LED का इन्होंने सेटअप दे रखा है ना, तो बढ़िया है। बाकी इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है भाई जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठंडे के दिन में चलाते हो जहाँ पे फॉग वगैरह रहता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होगा भाई, क्योंकि पूरा LED है भाई, तो एक्सीडेंट वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है इस गाड़ी के प्रति, समझ रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको फॉग लाइट लगवाना पड़ेगा। अगर आप मतलब ज़्यादा रन करते हो फॉग वगैरह में तो आप यहाँ पे लग जाता है भाई, कहीं कहीं लग जाता है, फॉग लाइट लगवा सकते हो। बाकी इसका नॉर्मल वेरिएंट भी लेते हो तो उसमें भी अपने को LED ही मिलता है, हैलोजन किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता अपने को। बाकी ये बीप बीप करने वाला भाई इतना गंदा चीज़ है ना, पूछो मत। तो भाई ठीक है यार, रात के विजिबिलिटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, जंगल झाड़ी इलाके से भी आप ट्रैवल करना चाहते हो तो बिंदास कर सकते हो जुपिटर 125 से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अभी फ्रंट का इंडिकेटर चलाते हो तो देख लो ऐसे टाइप का जलते हुए दिखता है, देख सकते हो आप। अभी मेरा फ्लैश लाइट जल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा उजला उजला सा लग रहा है भाई। तो यही था भाई हेडलाइट का एक्सपीरियंस जुपिटर 125 का। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से।